हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टडी अकाडेमिया तो आज हम लोग बुद्धिज़्म का लास्ट पार्ट करने वाले हैं तो ये लास्ट पार्ट में हम लोग डॉक्ट्रिंस ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे एंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स है चार उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेसन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द आइकन फॉर मोर अपडेट्स डॉक्ट्रिंस ऑफ बुद्धिज्म द कोड ऑफ बुद्धास डॉक्ट्रिन इज एक्सप्रेस्ड इन आर्य सच्चानी फोर नोबेल ट्रूथ्स अष्टांग का मार्ग मीन्स एट फोल्डपाथ मिडिल पाथ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वहाना तो ये कुछ चीज़ें जो है आर्य सच्चानी मीन्स फोर नोबेल ट्रूथ्स जो थे वो एंड एट फोल पाथ मीन्स अष्टांग का मार्ग मिडल पाथ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सामाजिक आचार संहिता एंड निर्वाणा की प्राप्ति इन चीज़ों में गौतम बुद्ध ने अपनी डॉक्ट्रिंस का व्यक्त किया है हिस टीचिंग्स कंटेन थ्री इम्पोर्टेंट पिलर्स उनकी शिक्षा के अंदर जो थ्री इम्पोर्टेंट पिलर्स थे वो थे बुद्धा धर्मा और धम्मा एंड संघा ये तीन चीजें उनके मेन पिलर्स थे उनके टीचिंग्स के बुद्धा मीन्स द फाउंडर और द टीचर धम्मा मीन्स द टीचिंग्स एंड संघा मीन्स ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नंस अब हम लोग फोर नोबेल ट्रूथ्स के बारे में जानेंगे तो फोर नोबेल ट्रूथ्स क्या थे द ट्रूथ ऑफ सफरिंग the truth of the cause of suffering the truth of the end of suffering and the truth of the path leading to the end of suffering the first truth jo hai wo hai dukh ki sachai second hai dukh ke karan ka satya third जो है वो है दुख के अंत का सत्य and the last one is अग्रणी पथ का सत्य दुख के अंत तक तो ये चार जो हो गए ये फोर नोबल ट्रूथ्स हो गए नेक्स्ट इज द एट फोल्ड पाथ बुद्धा आर्ज पीपल टू स्टडी मेडिटेट थिंक एंड एक्ट इन वेज दैट कैन हेल्प देम कम टू अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दिस फोर नोबल ट्रूथ्स एंड टू स्टे ऑन द पाथ दैट विल लेड देम टू पीस एंड हैप्पीनेस तो गौतम बुद्ध जी ने लोगों को अध्ययन करने ध्यान करने सोचने और उनके तरीकों से कार्य कार्य करने का आग्रह किया है उन्हें इन चार आर्य सत सत्य और जो फोर नोबेल ट्रुथ्स है इनको जानने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो पाथ्स है स्टडी करने का मेडिटेट करके थिंक करके ये करके ही उन लोगों को पीस और हैप्पीनेस मिल सकता है

बुद्ध द्वारा सिखाए गए मार्ग को अक्सर मध्य पथ ही कहा जाता है दैट इज अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या के बीच का जो मार्ग है वो मिडल पाथ है तो ये एट फोल्ड पाथ और आठ गुना पाथ क्या क्या थे वो हम लोग अब देख लेते हैं राइट व्यू राइट इंटेंशन राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट कंसेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस ये ये जो है ये एट फोल्ड पाथ है राइट व्यू मीन्स सही दर्शियत राइट इंटेंशन मीन्स सही इरादा राइट स्पीच मीन्स राइट और सही भाषण राइट एक्शन मीन्स सही कार्रवाई राइट लाइवलीहुड मीन्स सही आजीविका राइट एफर्ट मीन्स सही प्रयास राइट कंसंट्रेशन मीन्स राइट एकाग्रता राइट माइंडफुलनेस मीन्स सही दिमागीपन तो ये जो है ये आठ गुण मार्ग के आठ एलिमेंट्स थे इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बुद्धिज़्म द ट्रांसमाइग्रेशन एंड इम्परमिनेंस बट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड एंड सोल बौद्ध धर्म जो है वो गॉड की आइडिया एंड सोल का आइडिया जो है उसे रिजेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा द सोल इज़ अ मिथ एंड गौतम बुद्ध के अनुसार सोल जो है और आत्मा जो है वो एक मिथ है नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल्स अब हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल्स और से बुद्ध परिषद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे The first Buddhist council was held in 483 B.C. at Rajagriha by Ajat Shatru, and the president was Mahakasyapa. And it was held soon after the death of the Buddha. It was at this council that the Buddha's teachings were divided into three categories or baskets. So the first Buddhist council Johua, वो 483 एट्टी थ्री में हुआ राजगृह नाम का जो कैपिटल था अजत शत्रु के वहाँ पे हुआ एंड उसके टाइम पे जो किंग था वो अजत शत्रु थे एंड प्रेसिडेंट जो था वो महाकश्यप थे एंड ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ जब गौतम बुद्ध जी के डेथ हो गया उसके बाद ही ये फर्स्ट काउंसिल जो था ये हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को ये कुछ चीज़ें याद करके रखना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था राजगृह में बाय अजल शत्रु द प्रेसिडेंट वॉज महाकश्यप एंड इट वॉज हेल्ड इन फोर एट्टी थ्री बी सी नेक्स्ट इज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली थ्री एट्टी थ्री बी सी एंड एट दैट टाइम द रूलर वॉज कालाश्का एंड द प्रेसिडेंट वॉज शाबाकामी

एंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे शाबा कामी ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों को याद करके रखना होगा नेक्स्ट काउंसिल इज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन टू फिफ्टी बी सी एट पाटलीपुत्रा बाई अशोका एंड द प्रेसिडेंट वॉज मोघालीपुत्र तिस् सो इन दिस काउंसिल थेरावेदा स्कूल जो था उसका औरिजिन यहाँ पे इस काउंसिल में ही हुआ था त्रिपिटा का वॉज कोडेड इन पाली लैंग्वेज एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज वेर सेन्ट टू अदर कंट्रीज़ तो ये कुछ चीज़ें हैं ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था 250 फिफ्टी बी सी में प्लेस कौन सा था पाटलिपुत्रा रूलर कौन थे अशोका एंड द प्रेजिडेंट वॉज मुगलिपुत्र तिस् लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल नॉट द लास्ट इसके बाद भी और दो काउंसिल्स हुए टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुए थे तो वो सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे पर ये फोर्थ चार ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ही एग्जाम में आते हैं द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी एट कश्मीर बाय कनिष्का एंड द प्रेसिडेंट वॉज वासुमित्रा बुद्धिज्म देन डिवाइडेड इन टू महा महायाना सेक्ट एंड हिनायाना सेक्ट तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही महायाना सेक्ट एंड हिनायाना सेक्ट जो था वो उसका डिविजन हो गया था और ये फर्स्ट सेंचुरी बी में हुआ कहाँ पे हुआ कश्मीर में हुआ एंड रूलर कौन थे कनिष्क थे एंड प्रेसिडेंट कौन थे वाशुमित्रा थे तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा इसके बाद हम लोग बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट के बीच जो तीन डिविजन हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज हिनायाना और थेरादा हिनायाना मीन्स द लेसर पाथ एंड इट सिग्निफाइज डॉक्टरिन ऑफ द एल्डर्स तो ये हिनायाना जो है तो ये हिनायाना जो है इसका जो शाब्दिक और लिटरली मीनिंग जो है वो है छोटा रास्ता और लेसर लेसरपात एंड इसका जो डॉक्ट्रिन और सिद्धांत जो है वो बड़ों का प्रतीक है ट्रूअर्ड टू गौतम बुद्धा स्टीचिंग्स देन महायाना तो ये मानना है कि हिनाना के जो टीचिंग्स है ये गौतम बुद्ध जी के ट्रू टीचिंग्स थे थेरावरादा वाज द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलासफी थेरावराड़ा जो था ये बुद्धिस्ट फिलोसफी का ओरिजिनल स्कूल था इट स्क्रिप्चर्स आर इन पाली द लैंग्वेज दैट बुद्धा टॉट इन इसका दो स्क्रिप्चर्स और इसका जो ग्रंथ है वो सब पाली लैंग्वेज में है एंड ये पाली लैंग्वेज में ही गौतम बुद्ध जी ने जो उनका जो टीचिंग्स जो उन्होंने प्रोवाइड किया था वो सब पाली लैंग्वेज में ही उन्होंने प्रोवाइड किया था हिना इज़ अ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म विच ट्रेड्स बुद्धा एज नथिंग मोर देन अयूमन बींग एंड इट डज़ नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन तो ये हिनायाना सेक्ट में गौतम बुद्ध जी को एक ह्यूमन बींग की तरह ही ट्रीट किया गया एंड ये लोग जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे एंड वो लोग सेल्फ सेल्वेशन और सेल्फ की खुद की मुक्ति की और खुद की डिसिप्लिन में ही ये लोग ज़्यादा विश्वास करते थे एंड दिस सेक्ट इज फाउंडेड श्रीलंका म्यांमार एंड थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ये श्रीलंका म्यांमार एंड थाईलैंड में दिखता है अशोक का पेट्रनाइज सम्राट अशोक जो थे वो हिनायाना को पेट्रोनाइज किए थे नेक्स्ट स्कूल इज जो डिवीज़न है ये महायान है इसका जो लिटरली मीनिंग और शब्दिक अर्थ जो है वो है द ग्रेटर पर्थ इट इज द दोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोजॉफी एंड इट हैज टू चीफ फिलोसॉफिकल स्कूल्स द माध्यमिका एंड योगाचरा इसका इसके दो प्रमुख दार्शनिक विद्यालय है और स्कूल्स हैं जो थे माध्यमिका और एंड योगाचारा ये दो फिलोसॉफिकल और दार्शनिक स्कूल्स है महायान के इट्स स्क्रिप्चर्स आर इन संस्कृत इसके जो ग्रंथ हैं वो वो ग्रंथ जो थे वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में है A school of बुद्धि which विच ट्रीट्स बुद्धा God गॉड एंड idols of ऑफ and एंड बोधिशत Buddha बुद्धा नेचर ये महायाना के सेक्ट में जो बुद्धिस्ट बिलीफ और जो बुद्धिस्ट महायाना के सेक्ट में हैं वो लोग बुद्धा को एज अ गॉड वर्शिप करते हैं एंड बुद्धा के आइडियल को वो लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं महायान सेक्ट हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने मिलता है ये महायान सेक्ट हम लोगों को मिलता है जापान में चाइना में एंड अदर एशियन कंट्रीज में ये देखने को मिलता है हम लोग देख हम लोग ये देखते हैं कि जापान एंड चाइना में बहुत ही बड़े बड़े मोनास्ट्रीज हैं बुद्धा के तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग गौतम बुद्ध को एज अ गॉड वो लोग पूजा करते हैं कनिष्क पेट्रोनाइज महायाना एंड लेटर ऑन हर्षवर्धना सपोर्टेड इट वेरी वेल कनिष्के जो थे वो माहयाना को सपोर्ट किए एंड हर्षवर्धन जो थे वो भी माहयाना को सपोर्ट किए एंड द लास्ट फैक्ट और लास्ट डिविजन इज वज्रयाना इट मीन्स व्हीकल ऑफ थंडर वोल्ट द वज्रयाना और डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मंत्र तंत्रायाना तांत्रिक और एसोतेरिक बुद्धिज्म तो वज्रयान जो है इसको व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं एंड ये जो है ये मोस्टली मंत्रयान तंत्र मींस मंत्र तंत्र के बेसिस पे जो पावर वो जो हासिल होता है ये लोग वही मानते हैं इट वॉज़ अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म विच एपियड इन ईस्टर्न इंडिया इन द एट सेंचुरी एंड वॉज फाइनली एस्टैब्लिश्ड इन टिबेट इन द इलेवेंथ सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिशन सेंट फ्रॉम द ग्रेट वज्रयान मोनस्ट्री ऑफ विक्रमशिला तो विक्रमशिला मोनस्ट्री जो बिहार में है वहाँ से एक मिशन सेंट किया गया था ईस्टर्न इंडिया में एंड टिबेट में कि ऐसी ये वज्रयान सेक्ट जो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एंड वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि ये वज्रयान जो है ये अभी हम लोगों को बंगाल बिहार नेपाल टिबेट ये सब एरिया में हम लोगों को ये देखने को मिलता है द वज्रयान टेक्स्ट यूज यूज अ अम्बॉलिक लैंग्वेज दैट इज सम्य भाषा और ट्वाइलाइट लैंग्वेज तो वज्रयान के टेक्स्ट और ग्रंथ जो है वो सब समध्य भाषा और ट्वाइलाइट और से गाधुली लैंग्वेज में लिखा गया है ये एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज है इट इज एन एसोटोरिक एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिस्ट था एंड प्रैक्टिस विच सीज इट सेल्फ एज अ क्विकर मोर इफेक्टिव पाथ टू एनलाइटनमेंट इट फॉलो इट्स फॉलोवर्स बिलीव दैट सेलवेशन कैन बी बेस्ट अटेन बाय अक्रिंग द मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्र तो इसके बुद्धिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि मैजिक पावर से और तंत्र मंत्र से वो लोग लाइटनमेंट जो है वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से वो और ज़्यादा जल्दी वो लोग हासिल कर सकते हैं तो इसलिए वो लोग ये वज्रा मीन्स मैजिकल पावर्स का वो प्रैक्टिस करते हैं एंड ये वज्रयान जो है ये मोस्टली ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हो गया पर्टिकुलरली इन बंगाल एंड बिहार ये बंगाल एंड बिहार में ज़्यादा पॉपुलर हो गया था एंड इज़ प्रीडोमिनेट इन हिमालयन नेशंस ऑफ टिबेट नेपाल भूटान एंड ऑल्सो मंगोलिया एंड टिबेट नेपाल भूटान एंड मंगोलिया में भी ये देखने को मिला तो इसके साथ साथ हमारा जो बुद्धिज़्म का चैप्टर था ये ख़त्म होता है सो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन चाइनिज्म इफ़ यू वर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए एंड कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग